अगर हम लोग बायोडायवर्सिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो आपका कैसे सही है डिफाइन बिल्कुल करेंगे? तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इट इज द सर। वी नीड टू डिफाइन बायोडायवर्सिटी. हाउ वी डिफाइन इट? बायोडायवर्सिटी इट इज द सम टोटल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ. अरे देखिए, डिपेंड करता है आपसे बायोडाइवर्सिटी किस जगह का पूछ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुवाहाटी का पूछे तो आप क्या बोलोगे? इट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन गुवाहाटी. सो एज पर द स्केल ये डेफिनेशन थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है सर. अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में, सबसे जो बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड वॉज पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन. ओके, इस वर्ड को, जो टर्म है उसको पॉपुलराइज किसने किया सर? आपका एडवर्ड विल्सन ने आपका पॉपुलराइज किया. नाउ जब हम लोग डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी का बात करते हैं सर, ओके, कि हम लोग किस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, तो लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी का अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो हम लोगों का डिफरेंट लेवल्स पे इसको डिफाइन कर सकते हैं. पहला लेवल जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, दूसरा लेवल स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, और जो हमारा तीसरा लेवल है सर वो है हमारा इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी. तो हम लोग बायोडायवर्सिटी को टोटल तीन डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ने का कोशिश करते हैं सर. कौन कौन सा तीन डिफरेंट लेवल्स है? पहला है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, तीसरा है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी. तो तीनों को एक एक करके हम लोग चेक करेंगे सर. पहले इतना लिख लीजिए. तो देखिए, जब हम जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का बात करते हैं तो क्या मतलब है, इस चीज का हम समझने की कोशिश करेंगे. जेनेटिक बायो डायवर्सिटी. नाउ सी, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्पीसीज, फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस, ठीक है, हम सब किसको बिलोंग करते हैं सर? हम लोग सब होमो सेपियंस को बिलोंग करते हैं सर. अब एक बात बताइए, ऑल दो वी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, क्या हम लोग सब एक जैसे? क्या हम लोगों का नहीं सारा का सारा जो चीजें हैं वो एक जैसा है सर? सर, यू कंपेयर अ पर्सन फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ दैट पार्टिकुलर पर्सन, एंड यू कंपेयर अ पर्सन फ्रॉम योर पार्टिकुलर कश्मीर और एनी वेयर विच हैव अ कोल्डर रीजन, यू विल फाइंड दैट द पार्टिकुलर पर्सन विच बिलोंग्स टू दिस हॉट कंडीशंस विल हैव स्लाइटली मोर अमाउंट ऑफ मेलेनिन विच विल बी सिंथेसाइज एज कंपेयर टू द पार्टिकुलर पर्सन हु इज प्रेजेंट इन कश्मीर. ओके, दिस इज वॉट वी कॉल वेरिएशन विद इन अ पार्टिकुलर स्पीसीज. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू. बट वॉट डू वी सी हियर इज, फॉर एग्जाम्पल, अ स्पीसीज विच वी हैव ऑल्सो शोज, और टू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्पीसीज ऑल्सो शोज लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन, माइट शो हाई डायवर्सिटी, और वी कैन पुट इट एट जेनेटिक लेवल, और मैं अगर इजी टर्म में बोलना चाहूं तो हाई लेवल ऑफ वेरिएशन. नाउ एक चीज समझने का है सर, क्यों ये हाई लेवल ऑफ वेरिएशन का हम लोग बात करते हैं सर? सो दैट इट कैन अडेप्ट टू अ पार्टिकुलर एनवायरमेंट, ताकि जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो उस एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट कर सके सर. अब ये जो जेनेटिक वेरिएशन है वो किस लिए आता है सर? सर, तो इसका मतलब समझेंगे. तो जेनेटिक वेरिएशन कम्स बिकॉज, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम्स बिकॉज, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ड्यू टू डिफरेंस इन एलील. ठीक है, जीन एक ही है सर, बट उसके लिए एलील डिफरेंट हो सकता है. इवन समटाइम व्हाट डू वी सी, वी कैन हैव एंटायरली डिफरेंट जीन प्रेजेंट
एंटायरली डिफरेंट जीन देन वी कैन ऑल्सो हैव चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जिनकी वजह से हम लोगों का इस टाइप का वेरिएशन आ सकता है सर. ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं सर किस तरीके से अडेप्ट करता है सर. तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है ऑफ राव वुल्फिया. नाउ दिस राव वुल्फिया वॉमिटोरिया इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ पार्टिकुलर प्लांट विच ग्रोज इन हिमालयस. ठीक है, ये जो पार्टिकुलर प्लांट है ये हिमालय में ग्रो करता है विच शो जेनेटिक डाइवर्सिटी एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इट हैव डिफरेंट potency and concentration of active chemicals. So they secrete certain active chemicals which are of our uses. So what do we see here is because of the difference, we also see a difference in the particular पोटेंसी, मतलब कितना पोटेंट केमिकल है या फिर कितने कॉन्सेंट्रेशन में बन रहा है उसमें भी हम लोग डिफरेंस देखते हैं सर. इसको लिखिए सर, एक और एग्जांपल बताते हैं उसके बाद. तो हम लोगों का इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वी हैव मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट strains of rice. And if we are talking about mangoes, we have 1000 different varieties of mango. Okay, so these are resultant of your genetic diversity which we have among the organisms. Now next चीज हम क्या देखेंगे sir? So next चीज हम देखेंगे sir आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीसीज डाइवर्सिटी, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, वी आर सेइंग इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एरिया. इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एरिया. एक एग्जाम्पल देखते हैं सर. इन इंडिया वी हैव टू घाट्स, वी हैव वेस्टर्न घाट एंड वी हैव ईस्टर्न घाट. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न घाट, दे हैव मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मोर एज कंपेयर टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन केस ऑफ ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, उनमें हम लोगों को ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट डू वी मीन बाय स्पीसीज डाइवर्सिटी सर. देयर आर टू थिंग्स सर इन स्पीसीज डाइवर्सिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड. स्पीसीज डाइवर्सिटी इज बेसिकली रेफर्स टू स्पीसीज रिचनेस. स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एरिया प्लस मल्टीप्लाइड बाय स्पीसीज इवननेस. एक एग्जांपल देते सर इसको समझने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए एक एरिया है जिसमें पांच डिफरेंट स्पीसीज हैं. तो एक का पांच, पांच ऑर्गेनिज्म है एक के, दूसरे के भी पांच है, दूसरे के छह हैं, तीसरे के सात है और चौथे का एक है. ओके, प्लस यहां पांच पांच छ सात आठ है.
अगर आप देख रहे हो तो हम बोलेंगे कि ये जो बी वाला एरिया है, दिस बी हैव मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू दिस ए। देखने में तो दोनों जगह पांच है, पर इसका नंबर देखिए सर, वन, कभी भी मर सकता है सर। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी आपका रिचनेस प्लस इवननेस दोनों का बात करता है सर, नॉट अबाउट अ सिंगल थिंग। व्हाट इज रिचनेस? इट मींस हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट इन इन एन एरिया। तो हम लोग इस एग्जाम्पल को हटा के यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिचनेस क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एरिया, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एरिया। एंड इवननेस इज व्हाट? इट इज द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में हम लोगों का कितना ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है डिफरेंट स्पीसीज का एक पार्टिकुलर एरिया में, उसको वहां का स्पीसीज इवननेस कहते हैं सर। ठीक है, क्लियर? लिख लीजिए। ये देखिए जो लास्ट हम लोगों का यहां पर बचा हुआ है सर, वो क्या है सर? वो है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वी टॉक अबाउट वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। ओके, इट इज द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, देर आर डिफरेंट इकोसिस्टम विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ इंडिया। इट इज वेराइटी ऑफ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन एन एरिया ऑफ स्टडी। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, यू हैव डेजर्ट्स, यू हैव दिस पार्टिकुलर रेन फॉरेस्ट पार्ट सम ऑफ देम इन इंडिया। ओके, यू हैव दिस पार्टिकुलर, गो टू कश्मीर एंड ऑल यू विल फाइंड दिस जेरोफाइटिक प्लांट्स, यू गो टू मेघालय यू विल फाइंड दिस जेरोफाइटिक प्लांट, you go to particular areas of southern India, you will find a tropical rainforest area. So this is called your particular ecological biodiversity. Now ecological biodiversity basically indicate about what? So it indicate about different number of niches which are present, niche. It talk about different trophic levels which are present. It talk about food web which is present in that particular area. It also indicate about the nutrient cycle, what kind of nutrient cycle is going on in that particular area, and other ecological processes which is going in a particular area. So these are the things which an ecological biodiversity indicates. Now we need to understand one fact that when we are talking about biodiversity, we have different type of organisms which are present, sir. And when we are talking about organisms, we have certain data which we need to understand, we have certain theory which we need to understand, sir. If we are talking about data, we talk about magnitude of biodiversity. And these data are important as per question point of view. So if you are talking about total number of organism, living organism, and this distribution is just among plant and animal, we are not including other like bacteria and all. So if we are talking about plant and animals, the plant, and we can make other groups also by indicating them others, including them also. So if we are talking about animals and plants and other groups, we should remember that animals itself make around 70% of the total biodiversity. Plant makes around 22%, and the leftover 8% will be for others too. In animals also, out of the 70%, 70% of this 70% basically means is taken up by alone insects. Okay, 70% हम लोग क्या देखने को मिलता है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ
इंसेक्ट ही देखने को मिलता है सर, आउट ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट है। सर सारा डाटा जो है सर उसको हम लिखेंगे एक एक करके, बट इसको लिखिए सर, एक ग्राफ दिया हुआ है सर, उस ग्राफ को कैसे याद रखना है सर वो याद करने का तरीका देखेंगे सर, फिर आगे चलेंगे सर। ये जो चार्ट है ये हम लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये एनसीईआरटी का चार्ट डायरेक्ट आपको उठा के दे देगा, आइदर ये दे देगा ठीक है द फर्स्ट वन, या ये दे देगा या ये दे देगा, करेगा क्या लेबलिंग्स गायब कर देगा। और ना तो ये डायग्राम जो अंदर सुंदर सुंदर बना के दिया है, चिड़िया इड़िया पिड़िया तितली इतली वो सब कुछ नहीं बना के देगा सर, ठीक है ये सब गायब कर देगा, और आपको बोलेगा कि इनको लेबल कर दो, या उसमें पूछ देगा मान लो कि ये पार्टिकुलर जो ग्रुप है इसको लिख दिया ए, तो व्हाट इज ए इन दिस पार्टिकुलर फिगर। तो ये हम लोगों का पूछना पूछा जाता है सर इन केस ऑफ योर दिस पार्टिकुलर चार्ट सर, तो इसको याद करना है आपको सर, कर लोगे ठीक सर है सर, कर लीजिएगा सर। ठीक है आगे चढ़े, याद कर लोगे आपने बताया कैसे याद करते हैं, तरीका ठीक है बताते वो हैं भी बताएंगे सर, आप बोला आपने याद कर लोगे तो हम बोले ठीक है भाई, जब कर ही लोगे तो क्यों बताएंगे, ठीक है अब नहीं कर पाओगे तो हम बताते हैं सर। तो देखिए इसको याद करने के लिए याद रखिए IMCEO, तो हम लोग कौन है सर, CEO है सर, आई फॉर इंसेक्ट, एम फॉर मॉलस्क, सी फॉर क्रस्टेशियन, ओ फॉर अदर एनिमल्स ग्रुप। इसको देखिए सर, FM बजाते रहो, F फिशेस, M मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड बजाते रहो, A फॉर एम्फीबियंस, ठीक है सर, ये है आपका रेप्टाइल्स। फिर ये देख लीजिए सर लास्ट वाला, अब देखिए सर इसमें कैसे याद रखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, फादर मदर ठीक है, क्या है फादर मदर, MO मदर, फ्रेंड्स ऑल, ऑल से कौन, एंजियोस्पर्म, लिसन टू अल्लाह, तो क्या हो गया एफ फॉर फंगाई, MO मॉसेस, एफ फ्रेंड्स फर्न्स, ऑल एंजियोस्पर्म, लिसन लाइकेन, अल्लाह एल्गी, ठीक है। तो ये तीन ट्रिक है सर जिससे आप ये तीनों याद कर सकते हैं सर, लिख लीजिए सर। कोई कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए मैग्नीट्यूड को कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर जो आपका ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वहां पर कहीं पर भी आपका बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात नहीं किया गया है सर। द रीजन इज बिकॉज बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर प्रेजेंट, आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर प्रेजेंट सर, इट इज अ बिलीव, ये एक बिलीव है सर जो माना जाता है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ हमने 5% प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है, वी आर येट टू स्टडी 95% ऑफ योर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ये एक बिलीव है सर जो माना जाता है इन माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू अ डाटा ऑफ IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN एंड दिस डाटा इज ऑफ सर 2004, रिमेंबर दैट दिस डाटा इज ऑफ 2004, वी हैव समवेयर अराउंड स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ स्पीसीज, दिस इज अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स, ओके वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, रिमेंबर दैट। बट हर आदमी इस चीज पे बिलीव नहीं करता सर कि 1.5 to 1.7 मिलियन स्पीसीज है सर, देर आर सम एक्सट्रीमिस्ट, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, दे बिलीव दैट देर आर 20 to 50 मिलियन
species which are present, sir. And we are just talking about 1.5 to 1.7 million according to 2004 estimates. There is a scientist known as Robert May. He believed and he stated that there will be somewhere around 7 million species which are present, sir. So these are different estimates which are given in NCERT. You need to remember each of them. This question can form from there. Now, it is believed that India have 8.1% of biodiversity. Okay, how much is the biodiversity, sir? It is 8.1% of the biodiversity which is present. But India have only 2.4% of world area. तो वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से इंडिया के पास एरिया कितना है 2.4% और बायोडाइवर्सिटी इंडिया कितना रख रहा है सर 8.1% रख रहा है सर विच इज क्वाइट बिग सर एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इंडिया इज काउंटेड इन 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ठीक है इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में काउंट किया जाता है सर सर आप बता सकते हैं इंडिया का रैंक क्या है एज पर सरफेस एरिया व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया सेवेंथ रैंक आता है सर अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया सर लिख लीजिए सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली देन इंडिया हैव 45,000 plant species and approx 90,000 animal species. ये reported है sir. And एक approx idea बोला जाता है and yet approx ये माना जाता है कि 1 lakh plant species are still to be identified and 3 lakhs animal species are yet to be reported sir. ये माना जाता है as per the particular estimates which we have now अगर हम बात कर रहे हैं sir about this particular biodiversity हम लोग क्या देखेंगे sir ये तो हो गए डाटास के बारे में सर देर आर सर्टेन डाटास विच आर देयर विथ योर पार्टिकुलर अमेजोन रेन फॉरेस्ट उनको भी लिखते हैं सर बिफोर वी स्टडी दिस अमेजोन वाला थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट हाउ दिस बायोडाइवर्सिटी हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ ओके एंड टू अंडरस्टैंड दिस वी स्टडी समथिंग कॉल्ड पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी Now, talking about pattern of biodiversity, what we are going to talk about here is, for example, if we see the particular earth, we have equator. Okay, at equator, what we see the maximum biodiversity. Near about equator, you see the maximum biodiversity which is present, sir. As you go up towards the pole, what happened? Biodiversity decreases. So what we are trying to say here is that biodiversity is maximum at trophic region ठीक है बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को कहां पर मिलता है सर मैक्सिमम ट्रॉफिक रीजन में देखने को मिलता है ना ट्रॉफिक रीजन में ही हम लोगों का आता है आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट ठीक है तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच शोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट We have an example called Amazon rainforest. Now, if I am talking about Amazon rainforest, what we will see here is
that here we have near about 40,000 plant species. We have our 3,000 fishes. We have 1,300 birds which are present. We have 427 mammals which are present in these particular areas. We have 1,427 amphibians which are present in the area. We have 378 reptiles which are present in these areas. And we have total of 1,25,000 of reptiles which are found in this particular area in the tropical rainforest. Now the question is, why does why at trophic areas biodiversity is rich? तो ऐसा क्या है आपका ट्रॉफिक एरिया में जिसकी वजह से वहां पर इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को देखने को मिलता है सर? उसको देखेंगे, पहले ये लिखिए. ओके 1427 क्या था? 1427 को सुनिए. ठीक है 427 ही है. कार्बन लेफ्ट रेप्टाइल इन पार्टिकुलर. वन लेफ्ट 25,000 इन पार्टिकुलर. रेप्टाइल ही रेप्टाइल तो थ्री पगला गया मैं आज, मेरा माता खराब हो गया. इसको ठीक है क्या होगा? 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स. तो देखिए हम लोगों का जो पार्टिकुलर स्पीसीज फॉर्मेशन है या हम बोले स्पेसिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम. ये क्या चीज का फंक्शन है? टाइम का फंक्शन. टाइम का फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज में देख रहे हैं, ट्रॉपिकल एरियाज रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड. अगर आपको याद हो हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पढ़ा था बायोम्स वगैरह के बारे में, तो मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल एरियाज में क्लाइमेटिक चेंजेस हम लोगों को देखने को नहीं मिलते. सो दे आर रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ इयर्स. मिलियन ऑफ ईयर्स से वो क्या हम लोगों का अनडिस्टर्ब है, एक ही टाइप का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है. तो शो दे शो मोर स्पीसीज अनलाइक टेम्परेट रीजन जहां पर हम लोगों को क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है सर. अभी देखिए सर दूसरी तरफ हम बात करें तो देखिए जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है इज प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल स्टेबल इन ट्रॉफिक एरियाज. तो ये आपका प्रिडिक्टेबल भी है और स्टेबल भी है ट्रॉफिक एरियाज में, विच प्रमोट निच फॉर्मेशन. इसकी वजह से निच फॉर्मेशन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है सर. इसके अलावा क्या देख रहे हैं सर? कि हम लोगों का जो सोलर रेडिएशन है वो आपका ज्यादा है ट्रॉफिक एरियाज में, इज मोर इन ट्रॉफिक एरियाज. सो वी हैव मोर प्रोडक्टिविटी इन दिस एरिया. ओके इसीलिए हमको सब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है इस एरिया में. एंड क्योंकि हम लोग का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इस एरिया में, सो वी कैन हैव मोर स्पीसीज विच कैन बी प्रेजेंट. ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा आप स्पीसीज को क्या कर सकते हो, आपका होल्ड कर सकते हो एक पार्टिकुलर एरिया में. ठीक है बाबू,